अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू कुकिंग विद बेनज़ीर। मैं बेनज़ीर हूँ और क्या आप सिंपल और आसान रेसिपीज़ ढूंढ रहे हैं? तो आप बिल्कुल परफेक्ट जगह पर आए हैं। आज हम बहुत ही यूनिक किस्म का चिकन का स्टार्टर बनाएंगे। बस थोड़ी सी चिकन यूज़ करेंगे, तकरीबन 100 ग्राम, और उसमें काफ़ी सारे बॉल्स बनाएंगे। इस स्टार्टर का नाम है कोहिनूर चिकन बॉल्स। सबसे पहले तकरीबन 2 टेबल स्पून हमने मक्खन ले लिया एक कढ़ाई में। हम इसमें एक छोटा प्याज डालेंगे बारीक चॉप करके, साथ में हम 3 से 4 हरी मिर्चें भी डालेंगे बारीक कट करके। प्याज और मिर्च को 1 मिनट भूनने के बाद हम इसमें चिकन डाल देंगे। चिकन हमने 100 ग्राम यूज़ की, जिसे हमने थोड़ा सा नमक डालकर बॉईल कर लिया और फिर श्रेड कर लिया इस तरह। चिकन को अच्छी तरह से 1 मिनट हमने भून लिया। हम इसमें स्वीट कॉर्न डालेंगे, ये तकरीबन 1 टेबल स्पून है। स्वीट कॉर्न को हमने बॉईल नहीं किया है, बस इसी के साथ सॉटे करने में स्वीट कॉर्न गल जाएंगे। साथ में हम इसमें गाजर भी डालेंगे, ये भी 1 से 2 टेबल स्पून हमने यूज़ किया चॉप करके। बस फ्लेम को हाई करेंगे और सारी चीज़ों को 1 से 2 मिनट चलाते हुए पकाएंगे। सारी चीज़ों को भूनने के बाद हम इसमें सूजी डालेंगे। हम इसमें 1/2 कप भरकर सूजी डालेंगे, जो तकरीबन 100 ग्राम है। सूजी को हमें अच्छी तरह से भूनना है। कम से कम 3 से 4 मिनट हम चलाते हुए मीडियम फ्लेम पर सूजी को भूनेंगे। अच्छी तरह से हमने सूजी को भूना। हम अब इसमें दूध डाल देंगे, ये 1 कप भरकर दूध है, यानी 250 ml दूध। साथ में हम इसमें नमक भी डालेंगे 1 टीस्पून, थोड़े मिक्स्ड हर्ब्स, थोड़ा वाइट पेपर पाउडर यानी कि सफ़ेद मिर्च का पाउडर। बस ये सारी चीज़ें डालेंगे, अच्छी तरह से चलाएंगे। हम इसमें 3 कलर के कैप्सिकम भी डाल रहे हैं, ये हम 1/4 कप यूज़ कर रहे हैं। फ्लेम को हमने ये पॉइंट पे लो रखा है, हाई नहीं किया है, और अच्छी तरह से हम सारी चीज़ों को मिक्स करते रहेंगे। 2 मिनट तक हमने इस तरह इसे चलाया और बिल्कुल लो फ्लेम पर पका लिया। ये इस तरह का होना चाहिए, बिल्कुल एक आटे के बॉल की तरह। फ्लेम को बंद करेंगे और इसे ठंडा होने देंगे। मिक्सचर को हमने एक बोल में निकाल लिया, ये अच्छी तरह से ठंडा हो गया है। हम इसमें 1 अंडा डाल देंगे। हमने 2 आलू बॉईल किए हैं मीडियम साइज़ के, ये भी डाल देंगे हम। हरा धनिया बारीक चॉप करके, थोड़ी हरी प्याज के पत्ते बारीक चॉप करके, थोड़े हम चिली फ्लेक्स भी डालेंगे, कुटी हुई लाल मिर्चें। बस बहुत अच्छी तरह सब कुछ मिलाएंगे। अच्छी तरह से इन्हें मिक्स करने के बाद हम ये मिक्सचर को 15 से 20 मिनट फ्रिज में रख देंगे, ताकि ये थोड़ा सा सेट हो जाए, फिर हम इसके नेक्स्ट स्टेप पर चलेंगे। 10 से 15 मिनट फ्रिज में रखने के बाद ये अच्छी तरह से सेट हो गया है। बस थोड़ा सा लेंगे और नींबू के साइज़ के बॉल्स बनाएंगे। फ्राई करना है मीडियम हॉट ऑयल में। मीडियम फ्लेम करके हमने बॉल्स को डाल दिया है। इसे डालने के 1 मिनट तक चलाएंगे नहीं, ऐसे ही पकने देंगे। अच्छी तरह से गोल्डन ब्राउन कलर आ गया है, निकाल लेंगे टिश्यू पेपर पर। कुकिंग विद बेनज़ीर, सिर्फ जायका नहीं जज्बात भी। कुकिंग विद बेनज़ीर, सिर्फ जायका नहीं जज्बात भी। आज हम चिकन स्लाइडर्स बनाएंगे। उसके लिए हम 1 टेबल स्पून मक्खन ले लेंगे। मक्खन में हम 1 बड़ी साइज़ का प्याज डालेंगे। बारीक बारीक चॉप किया हमने प्याज को। चलाते हुए हमें प्याज को बस नरम करना है, प्याज को गोल्डन नहीं करना। प्याज नरम हो जाने के बाद हम इसमें चिकन डालेंगे। ये 250 ग्राम चिकन है बोनलेस, जिसके हमने बहुत छोटे छोटे पीसेस करवाए हैं, बिल्कुल छोटे। 1 टीस्पून अदरक लहसुन का पेस्ट, बिल्कुल थोड़ा नमक 1/4 टीस्पून के आसपास। चलाते हुए हाई फ्लेम पर पहले 2 मिनट चिकन को फ्राई कर लेंगे। 2 से 3 मिनट तक हमने चलाते हुए बहुत अच्छी तरह फ्राई किया चिकन को। अदरक लहसुन का कच्चापन भी ख़त्म हो गया है। फ्लेम को लो करेंगे, 5 से 6 मिनट चिकन के गलने तक पकाएंगे। 5 मिनट हो चुके हैं, चिकन का सारा पानी एब्जॉर्ब हो गया है, चिकन गल गई है। हम इसमें 1/2 टीस्पून हरी मिर्च का पेस्ट मिलाएंगे।
एक शिमला मिर्च मीडियम साइज़ की छोटा छोटा चॉप किया हमने, सोया सॉस एक टीस्पून भरकर, रेड चिली सॉस एक टेबलस्पून, विनेगर यानी कि सफ़ेद सिरका ये हम हाफ टी स्पून डालेंगे, पिज़्ज़ा सॉस ये हम एक टेबलस्पून यूज़ कर रहे हैं, अगर आपके पास पिज़्ज़ा सॉस नहीं है तो टेंशन ना लें, आप टमेटो केचप डाल दें एक टेबलस्पून। सारी चीज़ों को मिक्स करना है। ये सारे सॉसेज में नमक होता है इसीलिए हमने नमक कम ऐड किया था स्टार्ट में, तो इस चीज़ का ख्याल रखें। सारी चीज़ों को हमने अच्छी तरह से मिक्स किया, थोड़ा ब्लैक पेपर पाउडर भी डालेंगे हाफ टी स्पून के आसपास, फ्लेम को हाई करके बस 2 से 3 मिनट इसे पका लेंगे ताकि जो कैप्सिकम है वो थोड़ी थोड़ी सी पक जाए, बहुत ज़्यादा नहीं पकाना है, तो बस चलाते हुए 2 मिनट पकाएंगे। चिकन का मिक्सचर ठंडा हो जाने के बाद हम इसमें मेयोनीज मिलाएंगे, तकरीबन हमने 2 टेबलस्पून भरकर मेयोनीज मिला दिया। मेयोनीज किस तरह बनाई जाती है एगलेस और एग के साथ इसका भी वीडियो हमने अपलोड किया है, हम इसका लिंक दे देंगे आपको आई बटन पर और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। मिक्सचर पूरी तरह रेडी हो चुका है, एक बार नमक को ज़रूर टेस्ट करें, ज़रूरी लगे तो ऐड करें। हमने 6 पाव लिए हैं ये साइज़ के, घर पर आसानी से आप लादी पाव भी बना सकते हैं, इसका वीडियो हमने अपलोड किया है, ऊपर आई बटन पर हमने इसका लिंक दिया है और इसकी रेसिपी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दी है। आप चाहें तो मार्केट से रेडीमेड वाले भी यूज़ कर सकते हैं लेकर। हमने इसे कट कर लिया है सेंटर में से इस तरह, हम इस पर चीज़ स्प्रेड लगाएंगे। अगर आपके पास चीज़ स्प्रेड अवेलेबल नहीं है तो आप कोई भी चीज़ ग्रेट करके लगा सकते हैं इस पर, या स्लाइस चीज़ या प्रोसेस्ड या शेडर, जो भी आप चाहते हैं चीज़ स्प्रेड की जगह पर लगा सकते हैं, और अगर वो भी नहीं लगाना चाहते तो सिंपल मक्खन लगा लें। चिकन के मिक्सचर को अच्छी तरह इस पर स्प्रेड करेंगे। अच्छी तरह से इस पर स्प्रेड करने के बाद मोज़रेला चीज़ इस पर डाल देंगे। चिकन को हमने अच्छी तरह से इस पर स्प्रेड कर दिया है, हम पाव को बंद कर देंगे और इस पर हल्का हल्का सा मक्खन लगा लेंगे। उसके बाद हम इस पर सफ़ेद तिल स्प्रिंकल करेंगे जिससे इसका लुक बहुत अच्छा आएगा। हम थोड़ा थोड़ा मक्खन लगाते हैं ताकि सफ़ेद तिल इस पर आसानी से चिपक जाए। हमने एक बड़ा सा बर्तन गरम करने के लिए रखा है जिसमें हमने इस तरह से स्टैंड रख दिया है। अगर आपके पास ये स्टैंड अवेलेबल नहीं है तो आप कोई भी कटोरी रखकर उस पर अपनी नॉर्मल प्लेट रख दें ये साइज़ की। इसे 10 मिनट तक पहले गैस पे गरम कर लें। हम इस पर स्लाइडर्स को रख देंगे, ध्यान से रखें गरम होता है ये। फ्लेम को हमने हाई किया है, इसे 2 मिनट हाई फ्लेम पर पकाएंगे, बाद में मीडियम फ्लेम करके 3 से 4 मिनट और पकने देंगे ताकि ये अच्छी तरह से बेक हो जाए। मीडियम फ्लेम करके 5 से 6 मिनट तक हमने पकाया, माशाल्लाह बहुत अच्छी तरह बेक होकर स्लाइडर्स रेडी हो गए हैं, सर्व करते हैं।